गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट एक भारत के बच्चे पढ़ा और इस कविता को पढ़ने के बाद हमने उसमें दिया हुआ अभ्यास भी किया। अभ्यास का कुछ अंश की सिर्फ हमने किया था और आज हम करेंगे भाषा से। पार्ट एक पेज नंबर ट्वेल्व भाषा से। भाषा से का पहला प्रश्न है, रेखा खींचकर समानार्थक शब्दों को मिलाओ। रेखा के द्वारा समानार्थक शब्द को मिलाना है। जैसे सबसे पहला शब्द है तूफान, जिसका समानार्थक शब्द है आंधी झंझा, राह मार्ग और रास्ता, साहस हिम्मत और हौसला, अभिलाषा इच्छा चाह, काम कार्य और कर्म। ये सभी समानार्थक शब्द हैं, एक दूसरे के समानार्थक शब्द, मतलब समान अर्थ वाले शब्द। अब दूसरा प्रश्न है, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद करना, वर्णों को तोड़ करके लिखना या अलग करके लिखना। सबसे पहला शब्द है बच्चे। बच्चे शब्द में जिन वर्णों का प्रयोग किया गया है उन वर्णों में स्वर और व्यंजन दोनों ही हैं। इन स्वर और व्यंजन को हर एक वर्ण से अलग अलग करना है। जैसे बच्चे में ब, ब के साथ अ स्वर है, ब का उच्चारण करेंगे हम तो ब के साथ अ का उच्चारण होता है। ये हलंत जो लिखा हुआ है ब के नीचे एक लाइन सा दिया है, ये हलंत कहलाता है। इसका मतलब होता है ब आधा है और उसके साथ अ को जोड़ा गया है। तो जब ब के साथ अ जोड़ते हैं तब जाकर के पूरा ब बनता है। उसके बाद आधा च हलंत दिया हुआ है, फिर आधा च, इस पे ए की मात्रा है, स्वर जो है वो ए है, ए है। च हमारा व्यंजन है और उस पे स्वर लिखा हुआ है ए, यानी कि बच्चे। इन शब्दों में वर्णों के साथ जिन जिन स्वर और व्यंजन का प्रयोग किया गया सभी को अलग अलग करके लिखना, यही है वर्ण विच्छेद। दूसरा शब्द है चट्टानों। च आधा च, च पे स्वर है अ, व्यंजन है च जिसके साथ स्वर क्या है अ, फिर आधा ट, ट पे आ की मात्रा, आ की मात्रा यानी कि आ स्वर, ट के साथ है आ स्वर, फिर न, न के साथ ओ, ओ स्वर, तो नो, च टा नो, फिर पूर्ण। पूर्ण में प हलंत दिया हुआ है और दृगौ, दृगौ स्वर है, फिर रेफ आधा र, इसके अर्थ अ है, तो ये हो जाता है पूर्ण। वर्ण विच्छेद के अंदर हमने सभी शब्दों के वर्णों को स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखे हैं, यही होता है वर्ण विच्छेद। शब्दों में आए स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना। उसके बाद है आओ दोहराएं। सभी नाम शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे भारत और राह। नाम शब्द को ही संज्ञा कहा जाता है, चाहे वो नदी पहाड़ पर्वत, किसी का भी नाम हो, किसी वस्तु व्यक्ति किसी का भी नाम हो, नाम शब्द को ही संज्ञा कहा जाता है। प्रत्येक पंक्ति में आए संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाओ। पहली पंक्ति में पिता, जिसमें पहले से घेरा लगा हुआ है, बच्चे घेरा लगा हुआ है, बढ़ते इसमें नहीं लगा है घेरा, फिर है तूफान, तूफान में भी घेरा लगा हुआ है। यानी कि पहले पंक्ति में तीन शब्द हैं, पिता बच्चे तूफान, इन तीनों में घेरा लगा हुआ है। इसका मतलब ये तीनों शब्द जो हुए वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तन संज्ञा शब्द है इसलिए इसमें घेरा लगाना है आपको। दुबले साहस ये संज्ञा शब्द नहीं है दोनों। माँ फिर संज्ञा शब्द है
और इसमें हमको घेरा लगाना है। चट्टान संज्ञा शब्द है, लड़की संज्ञा शब्द है, इसमें भी घेरा लगाना है। बहादुर संज्ञा शब्द है, झंडा संज्ञा शब्द है। इस पंक्ति में भी तीन संज्ञा शब्द है, तीनों में आपको घेरा लगाना है। फिर देश, फूल, सुंदर, बगीचा। देश, फूल और बगीचा, ये तीनों संज्ञा शब्द है, तीनों में घेरा लगाना है। इस तरह से आप अपने पुस्तक में पहले इन सभी अभ्यास को कर लेंगे और करने के बाद आप उसको अपने कॉपी में लिखेंगे।